नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम जो बनाने जा रहे हैं ये सिंधी डिश भी है और बहुत सारे लोग पहले से भी जानते हैं। ये जो हम बनाने जा रहे हैं घिया चने की दाल, बहुत प्यारी, बहुत सिंपल, सादा, अच्छा खाना होता है। आप अगर प्याज लहसुन यूज़ नहीं कर सकते हैं तो इसके बिना भी आप बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनेगा, मैं बता रहा हूँ। खटाई के लिए आप टमाटर की जगह पर इमली की चटनी, थोड़ी सी इमली डालना चाहें, अमचूर डालना चाहें, अनारदाना या अमड़ी डालना चाहें, तब भी बहुत स्वादिष्ट बनती है। मैंने ये रात को पहले ही भिगो के रख ली थी चने की दाल। और मैं एक प्याज ले रहा हूँ, 5-6 हरी मिर्च, टमाटर और ये घी लगभग 1 पाव तक है और 100 ग्राम के लगभग दाल है, तो जितना घी है उससे थोड़ी सी कम दाल लेना अच्छा रहता है। ये हम तड़के के लिए यूज़ करेंगे, बाकी सब हम काटेंगे। मिर्ची मैं साबुत ही डाल रहा हूँ क्योंकि उबलेगी साथ में, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको छोटे छोटे पीसेस करें। 2-4 मिर्ची जो है हम तड़के भी यूज़ कर लेंगे तो और अच्छा टेस्ट आएगा। ये सब काट के हमें उबालना है, बाद में तड़का लगाना है। तो ये काट के चढ़ाता हूँ कुकर में और आपको दिखाता हूँ क्या क्या हम डाल रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा सारा सामान तैयार हो गया है। ये मिर्चें हमने लंबी छीली हैं, ठीक है, क्योंकि हम घर में सिंपल बनाते हैं, वह रीनल ट्रांसप्लांट पेशेंट एट होम, तो उसके हिसाब से खाना बनाना पड़ता है अपने हिसाब से भी। आप लोग चाहें तो उसको ज़्यादा स्पाइसी करने के लिए और मसाले ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं बहुत ही सिंपल मसाले यूज़ करता हूँ घर के लिए, नमक, थोड़ा सा अनारदाना, थोड़ी सी अजवाइन और हल्दी। लोग कहेंगे अजवाइन का तड़का डाला जाता है, उबालिए मत, पर मैं उबालना भी थोड़ा पसंद करता हूँ, उससे फ्लेवर आता है। ये मैंने अलग रख लिया क्योंकि तड़के में यूज़ करेंगे। अभी कुछ नहीं करना है, सिंपल ये सब चीज़ें इसमें डालेंगे एंड मसाले मिलाएंगे और पानी हमने रखा है फ्रेश, और फिर इसको उबालेंगे। जो बचा हुआ सब डाल दिया, ठीक है, और चने की दाल से पानी निकाल लिया था जो भिगो के रखा था। चने भी सारे हमने डाल दिए, थोड़े से जो दाने बचे हैं उनको भी हम निकाल लेंगे, थोड़ा सा इसमें पानी डाल लेंगे ताकि दिक्कत नहीं रहे। उसको घुमाया, डाल दिया, साफ, ठीक है। अब मसाले डालने की बारी आती है, तो मसाले डालने से पहले सबसे जो ज़रूरी चीज़ है नमक। नमक के बिना सब चीज़ें फीकी होती हैं। अब क्योंकि 1 पाव 10 ग्राम, लगभग 300 350 ग्राम ये चीज़ हो गई है, फिर पानी डलेगा, तो हिसाब से मैं इतना स्वाद अनुसार नमक, हम बहुत ज़्यादा नमक नहीं खाते हैं, सीधा नमक मैं यूज़ करता हूँ घर में, आप चाहे तो दूसरा नमक भी यूज़ कर सकते हैं। हल्दी के बिना तो कोई भी चीज़ अधूरी है जनाब। दाल आप डाल रहे हैं, हल्दी ज़रूर डालिए क्योंकि आजकल बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं, ऑर्गेनिक बोल करके भी चीज़ें ऑर्गेनिक नहीं होती। टमाटर दोनों डाल दिया खटाई के लिए, लौकी का भी खट्टा टेस्ट आता है, प्याज का भी, पर थोड़ा सा अनारदाना डाल देंगे ना, ये जितना मैं दिखा रहा हूँ इससे थोड़ा कम डालिएगा, ये नहीं कि पूरा डाल दें आप। एक जरा सी अजवाइन, बस हींग हमें डालना है, पर वो हम तड़के में डालेंगे और पानी डालते हैं। पानी आपको दिखाता हूँ, मतलब ये जितना है ना ये डूब गया है, थोड़ा सा मैं इसमें पानी और मिलाने वाला हूँ, थोड़ा पानी और डालना है। पर मेरी एक फेवरेट चीज़ जो मैंने दिखाई नहीं, जो मैं डालता हूँ, काली मिर्च, मुझे बहुत पसंद है, थोड़ी सी काली मिर्च। पानी मैंने थोड़ा और बढ़ाया है, देख रहे हैं आप, ये पूरा इसमें डूब चुका है, तो जितनी सब्जी से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि हमें इसको अच्छे से घोटा लगाना है। गैस मैं पहले जला चुका था, अब इसका ढक्कन लगा करके लगभग 8 से 12 सीटियाँ हम लगाएंगे, यानी कि 10-15 मिनट हम इसको पकाएंगे अच्छी तरह से। पर उसके लिए पानी ज़्यादा होना चाहिए, अगर आप प्रेशर कुकर में डाल रहे हैं ऑलमोस्ट 1.5 गुना तो होना ही चाहिए, फिर स्मेल से भी पता लग जाता है। तो अब सीटी लगा के इंतज़ार करते हैं इसके पकने का। तो लगभग 10-15 मिनट हमने इसको पका लिया है, अब हम इसको खोल करके देखते हैं कि कितना ये गल गया है, ठीक है। हाँ, टमाटर तो गल चुके हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो ये कि इसको मथना होता है अच्छे तरीके से। आप मिक्सर में भी कर सकते हैं, पर उसे दरदरा नहीं मथेगा, उसे बेस्ट तो ये है कि आप इसको मथिएगा। और तड़के के लिए आप देख रहे हैं मेरा सामान रेडी है, बस इसको मथते ही तड़का लगाएंगे और फिर ये सर्विंग के लिए रेडी हो जाएगा। जैसे कि आप देख चुके हैं कि लगभग ये मैंने अच्छे से मथ दिया है, यानी कि दाल और जो घिया है वो मिल गया है। दाल मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पकाई थी क्योंकि थोड़ी दरदर रहती तो अच्छी लगती है, ठीक है ना, महसूस भी होती है। और तड़का भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, तो पहले थोड़ा सा हींग डालेंगे, गैस कम। अब सबसे प्यारी हमारी लहसुन,
से टेस्ट थोड़ा एनहांस हो जाता है, एक फ्लेवर होता है ना प्यारा सा, वो आ जाता है। थोड़ी साबुत मिर्च हमने थोड़ा सा लंबे लच्छे काटे हैं डाल दिए। हल्का तड़का है तो ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा ये गलाना या पकाना है, बस वहाँ पर दाल भी गर्म भी हो रही है और जैसे आप देख रहे हैं मतलब बहुत ज़्यादा नहीं मैंने किया, कई लोग बिल्कुल बारीक कर देते हैं, आपके ऊपर टेस्ट पे है। और मिर्ची जो मैंने डाली थी देखिए वो भी इसमें मिल चुकी है, और मिर्ची से एक चटपटा टेस्ट अपने आप ही हो जाता है। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप इसमें और मसाले डाल करके भी इसको बना सकते हैं, पर ये आपके ऊपर है कि आप कितना टेस्टी और स्पाइसी खाना चाहते हैं। देखिए हमारा तड़का भी ऑलमोस्ट हो गया है। अब मैं आज आपको एक स्मोकी इफेक्ट और बताने वाला हूँ यहाँ पर दोस्तों, ठीक है? तो इसको थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी रहता है, कई लोग नहीं करते पर जो करते हैं उनके लिए ठीक है, पर आपका ये जो पैन है ये बहुत साफ़ होना चाहिए वो करने के लिए। ये मैंने इसमें डाला और डाल करके मैंने ऐसे ढक दिया, तो इसकी जो स्मोकी फ्लेवर है ना वो भी दाल में रुक जाता है। बस एक दो मिनट करना है और इसी से इसको आप घुमा दें। तो दोस्तों आज का खाना तैयार है, रायता जीरा राइस और हमारा खीर की सब्जी। रेटिंग देने वाली मम्मी जी सामने बैठी हैं। मम्मी जी टेस्ट कीजिए और बताइए कैसा है, और आपकी कोई टिप्पणी इस पे दे रही हो तो वो भी बताइए। इसका टेस्ट कैसा है? डिलीशियस, बहुत ही फेवरेट यार मेरी, और खाते में भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, आप एंजॉय कीजिए, थैंक यू।